जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास, सो वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास. डू यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे? लेट्स ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 5, हॉरिड हेनरी. Students, in previous class, do you know what I have told you about Henry? आपको कुछ याद है? Let's have a short recap. In previous class, I have told you about that Henry was very horrid. He always tried to create problem for others. But one day, he decided to be good. Now, today we will continue our chapter. So, open your book at page number 39. Students, first of all, write down today's date on this page. Which day is today? Today is Thursday, and write down the date. Today is 15th July 2021. So, let's start reading. So, put your finger on each and every word and start reading with me. When Dad walked away, the brothers started fighting over all things, from putting the cutlery to laying the tablecloth on the table. In previous class, humne kya read kiya tha? Henry's father has given duty to Peter to lay the table, but Henry told him to give him chance to do the task. So now, अब क्या हुआ है? When Dad walked away, जब father वहाँ से चले जाते हैं तो दोनों brothers क्या करते हैं? They started fighting with each other. दोनों एक दूसरे से fighting करना start कर देते हैं. From putting the cutlery, कटलरी को मतलब जो प्लेट्स वगैरह रखना है उससे लेकर टेबल क्लॉथ लगाने तक दोनों में फाइटिंग होती है. ठीक है. जस्ट देन मम केम इन एंड थैंक्ड पीटर फॉर लेइंग द टेबल. तभी मम्मा वहाँ आती हैं और पीटर को टेबल सेट करने के लिए उसको थैंक यू बोलती हैं. Peter didn't like it that Henry was trying to act good. So he tried troubling troubling Henry while eating lunch. Peter को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जो Henry है वो अच्छा बनने का क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, नाटक कर रहा है. सो वो क्या करता है Peter? उसके लिए ट्रबल मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है जब वो लंच खाने बैठा है. ठीक है, लंच करने के लिए बैठा है. स्टूडेंट्स, जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है आप भी उन्हीं वर्ड्स को अंडरलाइन भी करेंगे. नाउ नेक्स्ट, यू आर ओनली बीइंग गुड सो दैट यू कैन गो टू द फेयर बट इट वॉन्ट वर्क, सेड पीटर एंग्रिली. अब पीटर ने उससे क्या बोला? पीटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हेनरी इस तरह से मतलब अच्छा बनने का नाटक कर रहा है बट वो अच्छा नहीं है. तो उसने बोला, यू आर ओनली बीइंग गुड, तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो कि तुम फेयर मेले में जा सको, बट इट वोंट वर्क, लेकिन ये तुम्हारा जो तुम्हारी जो ट्रिक है ना वो काम नहीं करेगी. पीटर ने बहुत गुस्से से कहा. Henry ate all his carrots and showed mom his ball. Mom was very happy and kissed him. Jealous Peter kicked Henry and Henry complained. Mom scolded Peter for being jealous. अब Henry ने अपनी सारी carrots finish कर ली और उसने अपना जो empty ball है, जो खाने की कटोरी है, वो उसने अपनी मम्मा को दिखा दी. मम्मा वॉज वेरी हैप्पी, मम्मा बहुत खुश हैं अब उससे और उन्होंने उसे किस भी किया. अब पीटर ये सब देख के जेलस हो रहा है, उसने हेनरी को किक किया.
एंड हेनरी कंप्लेंड. हेनरी ने अपनी मदर को कंप्लेन की. मम स्कोल्डेड, स्कोल्डेड का मतलब होता है धमकाना किसी को, ठीक है, गुस्सा करना. ममा ने पीटर को गुस्सा किया कि वो जेलस हो रहा है. नाउ लास्ट लाइन, यू आर हॉरिड हेनरी एंड यू वुड डू समथिंग हॉरिड सूनर और लेटर, सेड पीटर. अब पीटर ने बोला कि तुम हॉरिड हो और हॉरिड ही रहोगे. तुम आगे, मतलब कभी भी, अभी या बाद में कभी भी कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी गलत कर सकते हो. वो ये जानता है, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, टर्न योर पेज बेटा. नाउ कम टू पेज नंबर 40 एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी. लेटर हेनरी वॉन्टेड टू डू गार्डनिंग टू हेल्प मम. मम इट मीन्स ही इज टॉकिंग विद हिज मदर. Mom said that there was something that he could do. While he was working for Mom, Peter came with Margaret. They wanted to have a fight with Henry. Surrender, said Margaret, pointing her sword towards Henry. Surrendered, said Henry. लेटर हेनरी वॉन्टेड टू डू गार्डनिंग टू हेल्प मम. उसके बाद क्या होता है कि जो हेनरी है वो अपनी मदर की गार्डनिंग में हेल्प करना चाहता था. और जो उसकी मदर है, मदर ने कहा कि हाँ तुम कर सकते हो, कुछ भी छोटा मोटा जो भी काम है वो तुम कर सकते हो. वाइल ही वॉज वर्किंग फॉर मम, जब वो अपनी मदर की हेल्प कर रहा था, पीटर केम विद मार्गरेट. वो मार्गरेट के साथ आता है वहाँ पर. मार्गरेट के साथ आया वो. मार्गरेट कौन है? मार्गरेट जो है वो पीटर की फ्रेंड थी. They wanted to have a fight with Henry. अब वो दोनों हेनरी के साथ फाइट करना चाहते थे. Surrender, said Margaret, pointing her sword towards Henry. अब मार्गरेट ने जो है हेनरी से कहा सरेंडर करो. और उसने अपनी, देखिए आप जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो वो है अपनी फिंगर पॉइंट आउट कर रही है. वैसे तो sword का मतलब होता है तलवार, but she was showing her finger to हेनरी. और उसको अपनी फिंगर दिखा के बोल रही है कि सरेंडर करो. तो अब हेनरी ने क्या कहा? सरेंडर्ड, हाँ मैंने सरेंडर कर दिया. स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू नाउ, दिस इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग ऑफ दीज टू पेजेस. एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू आवर रीडिंग एंड वी विल डू बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ यू गॉट इट? So okay, bye-bye, we will meet in the next class.